आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के 5 ऐसे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय रह चुके हैं। वैज्ञानिक आज तक इनका रहस्य सुलझाने में असफल हो चुके हैं और बहुत से मंदिर तो ऐसे हैं जिनका रहस्य सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है माँ ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल। यहाँ माँ सती की 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीव गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें निकलती हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं। वे 9 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगराज, भावनी, अंबिका और अंजना देवी को ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यानी कि सपने से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। दूसरे नंबर पर है सोमनाथ का मंदिर, सौराष्ट्र, गुजरात। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग में की जाती है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम में की जाती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में देरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है क्योंकि यहाँ यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर में अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। तीसरे नंबर पर है शनि सिंगणापुर का मंदिर, अहमदनगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनि मंदिर विश्व प्रसिद्ध। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनि देव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगणापुर शहर में शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे व तिजोरी नहीं है और अगर दरवाजों की जगह है तो वहाँ लगे हैं सिर्फ और सिर्फ पर्दे। यहाँ चोरी नहीं होती और कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि देव महाराज स्वयं सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। दूसरे नंबर पर है करणी माता का मंदिर, बीकानेर, राजस्थान। करणी माता का मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 से ज़्यादा चूहे। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है और इन्हें बकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी रक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसटाकर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पैर के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है और कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना कन्फर्म पूर्ण हो जाती है। कन्याकुमारी देवी मंदिर, कन्याकुमारी पॉइंट, तमिलनाडु। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर ही कन्याकुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने से पहले पुरुषों को अपने कमर से ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न ना हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए कहा जाता है। इसलिए ही कन्याकुमारी के बीच पर रेत में दाल व चावल के रंग के रूप में कंकड़ पत्थर बहुत मिल जाते हैं। आश्चर्य भरा सवाल यह भी है कि ये कंकड़ पत्थर दाल या चावल के आकार जितने ही होते हैं। छठे नंबर पे है पद्मनाभ मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं।
मान्यता है कि त्रिवंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को श्रवण कौर राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9 शताब्दियों के ग्रंथ में भी आता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अपने निर्माण काल से लेकर आज तक ये मंदिर कई रहस्यों को छुपाए हुए है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बेशुमार धन छुपा हुआ है और इस धन का सबसे बड़ा हिस्सा मंदिर के छठे तहखाने में स्थित है। बहुत सी बार ये मंदिर अखबारों व न्यूज़ चैनलों पर भी प्रसिद्ध रहा है अपने तहखानों को लेकर। अब मैं आपको इस मंदिर के छठे तहखाने के रहस्य के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो आइए चलते हैं। यह है पद्मनाथ मंदिर के छठे तहखाने का दरवाज़ा। इस गेट को आज तक नहीं खोला गया है। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे रहस्यमय दरवाज़ा है। इसका पहरा दो विशाल कोबरा सांप दे रहे हैं। श्रवण कौर राजाओं का राज परिवार अनहोनी की आशंका की वजह से पद्मनाभ मंदिर के छठे तहखाने को खोलने की अनुमति किसी को नहीं दे रहा है। माना जाता है कि इस मंदिर का छठा तहखाना खुल गया तो दुनिया का सर्वनाश जल्द हो जाएगा। कहा जाता है कि इस गेट को मंत्रों के द्वारा बंद किया गया है। जो भी इसे अपनी शक्ति से खोलने की कोशिश करेगा उसका तबाह होना निश्चित है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस गेट को खोलने से शहर और देश में भयानक तबाही आ सकती है, और कुछ विद्वानों का मानना यह है इस गेट को खोलने से अंदर बहुत सारा हीरा सोना जवाहरात आदि हो सकते हैं जो देश के लिए हितकारी साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।